बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिही लदीन अस्तफा अम्मा बाद औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العلي العظيم। محترم عزیز ساتھیو نوجوانو بزرگو اسلام دین فطرت ہے और शरीयत ने इंसान की तमाम ज़रूरतों का हर वक्त ख्याल रखा है। उसमें इंसान की एक तबई ज़रूरत अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरी करना, इसका भी अल्लाह ताला ने ख़ास ख्याल रखा है। बल्कि कुरान और हदीस का निचोड़ ये है कि निकाह जो एक अजीम अपनी ख्वाहिश को पूरे करने का एक ज़रिया है, उसको भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबादत और सवाब की चीज़ बनाया। सूरह नूर में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम निकाह करा दो उन लोगों के जो मर्द औरत बेनिकाह है, या जो ग़ुलाम है या बांदिया है, और वो इस बात की कुदरत रखते हैं कि वो निकाह कर सकते हैं। उसका एक मतलब मुफस्सिरीन ने ये बतलाया है कि जो निकाह की उम्र को पहुँच चुके हैं और नान नफका और मेहर अदा करने की उनमें सलाहियत है, तो उनके निकाह करा दिए जाए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो गरीब है, मिस्कीन है, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार बना देगा, गनी बना देगा। अल्लाह ताला वसात रखने वाला और जो है हर अमल की खबर रखने वाला है। मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िमन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत को नकल किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने लोगों के दरमियान में ख़िताब फरमाया कि ए लोगों, निकाह को जब करो तो उसमें अल्लाह के हुक्म की तामील के मुताबिक करो, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है निकाह करो, और अल्लाह के अहकाम को सामने रखते हुए निकाह की इस तकरीब को अंजाम देने की फिक्र करो। तो अल्लाह ताला ने जो मालदारी का वादा फरमाया है, अल्लाह उसे पूरा कर देगा। इससे ये खुलासा समझ में आता है कि निकाह अगर सुन्नत और शरीयत के मुताबिक किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाते हैं। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयतिहि अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़्वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन वरहमा। और अल्लाह ताला की निशानियों में से ये है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी जातों में से अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते जोड़ा पैदा फरमाया, यानी औरत की शक्ल में, और जो है तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत और मवद्दत और मेहरबानी को पैदा फरमाया। इससे इस बात का पता चला कि इंसान को अपनी औरत से मोहब्बत करनी चाहिए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप में ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी अजवाज मुतहरात के कामों में हाथ बथाया करते थे और उनकी हेल्प किया करते थे। बल्कि एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा पानी पी रही थी, तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मेरे लिए भी कुछ बचा के रखो। फिर अल्लाह के नबी ने उस जगह अपने मुंह मुबारक को लगाकर पानी पिया जहाँ से आयशा ने पानी पिया था। ये इस बात की दलील है कि इंसान के लिए चैन सुकून राहत की जो चीज़ है वो उसकी अपनी ज़ौजा मोहतरमा है। इसी तरीके से ये बात भी मिलती है कि एक मरतबा एक गजवे से वापसी के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि तुम आगे आगे चलो, और पीछे सिर्फ जमी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दो थे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ दौड़ लगाई
और इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है आगे निकल गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मायूसी आ गई। फिर दूसरे गजवे के मौके पर फिर एक मरतबा दौड़ लगाई तो उसमें आयशा आगे निकल गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तिल्क बतिल्क, यानी एक मरतबा मैं आगे निकल गया, दूसरी मरतबा तुम आगे निकल गए। इससे इस बात का पता चला कि इंसान को अपनी जौजा से मोहब्बत करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात हदीस शरीफ में इरशाद फरमाई कि जिस इंसान को नेक बीवी मिल जाए उसको आधे आधा दिन पर अल्लाह ने उसकी मदद फरमाए और बाकी आधे दिन के बारे में वो अल्लाह से डरे। दूसरी एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमाई अद्दुनिया मता व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, ये दुनिया फायदा उठाने की चीज है और इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जो फायदा उठाने की चीज है वो नेक खातून और नेक औरत है। इसलिए हम जब निकाह करें तो निकाह के मौके पर हमारी जो सिलेक्शन और चॉइस हो वो इस हिसाब से हो कि हम नेक खातून का जो है इंतखाब करें। एक औरत को भी चाहिए कि जब निकाह की नौबत आए तो वो ऐसे मर्द का इंतखाब करे कि जो दीनदार हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात भी इरशाद फरमाई वलकद अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, और हमने आपसे पहले जो रसूल भेजे उनको भी हमने जो है बीवी अता फरमाई और औलाद और बेटे अता फरमाए। इससे इस बात का पता चला कि निकाह करना ये बहुत अजीम चीज़ है और बहुत ही काबिले अजीम और जो है काबिले ताजीम चीज़ है कि उसमें इंसान की इफ़त और पाकदामनी को महफूज किया गया है। और निकाह क्यों किया जाता है? ताकि इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा ना करे और अपनी जिस्म की हिफाजत करे गलत तरीके से। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की खसूसियत में ये बात मिलती है कि जिस वक्त इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर बैत की उस वक्त से लेकर पूरी जिंदगी इन्होंने अपने जो है दाहने हाथ से कभी अपनी शर्म की जगह को हाथ तक नहीं लगाया। और इनकी खसूसियात में यह है कि ईमान लाने से पहले और ईमान लाने के बाद कभी अपने आप को जिना के गुनाह में मुब्तला नहीं किया है। आज हमारे नौजवान सोचे कि शादीशुदा की जिंदगी है, मैरिज हो चुका है, बच्चा हो चुका है, उसके बाद भी इंसान जो है जिनाकारी में मुब्तला है, बदनजरी में मुब्तला है, उसके ख्यालात और उसका जहन जो है बदनजरी की तरफ जाता है, जिना की तरफ माइल होता है। हमें चाहिए कि हम इस मौके पर अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करें। इसीलिए जहां ये बात मिलती है कि निकाह होने के बाद जो एक दावत की सुन्नत हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाई है वो वलीमे की सुन्नत है। और ये वलीमे की सुन्नत किस लिए होती है कि अल्लाह ताला को उस पर शुक्रिया अदा किया जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़ौजा अता फरमाई, उसके शुक्राने के अंदर जो है वलीमे की सुन्नत को अदा किया जाता है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो बिल्कुल चुपचाप बैठ गए और इनकी जुबान के अंदर से बोलने की कोई ताकत नहीं थी शर्म की वजह से। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बजाते खुद हजरत अली से फरमाया कि मुझे पता है कि तुम हजरत फातिमा का पैगाम निकाह लेकर आए हो और मुझे अभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अल्लाह का ये हुक्म बतलाया है कि हजरत अली का हजरत फातिमा से निकाह करा दिया जाए। तो ये हो गई मंगली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हजरत अली से निकाह का वादा कर दिया, ये मंगनी हो गई। न इस मंगनी में कोई खाना था, न इसमें कोई हल्दी की रस्म थी, न हमारी तरह माशरे में जो स्टेज लगाया जाता है दुल्हा और दुल्हन को निकाह से पहले मंगनी में बिठाकर एक दिन पूरा उसके पीछे खर्चा किया जाता है, कुछ नहीं था। बस के बस बैठे बैठे आपने जो है उसका फैसला कर दिया। हमें भी चाहिए कि हम हमारे इस माशरे से और समाज से इन बुराइयों को, इन फजूल खर्चियों को खत्म कर दें। अभी हमने जो जायजा लिया इससे इस बात का पता चलता है कि हर शख्स इस महंगाई के दौर में ये चाहता है कि ये सारी फजूल चीजें और ये सारे फजूल खर्चे बंद हो जाने चाहिए, लेकिन पहल कौन करे? इसके लिए लोग आगे पीछे हो रहे हैं।
हर आदमी अपने घर का एक जिम्मेदार है, हर आदमी ये सोचे कि मुझे अपने घर से ये खत्म करना है, तो इंशाअल्लाह फिर ये फजूल खर्चा खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमाई, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन अयसरु मऊनतन, के सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा किया जाए। मैंने आपको मंगनी का बतलाया, निकाह के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें इरशाद फरमाई है कि निकाह एक इबादत है, और जैसे कि किताबुल नवाजिल में हजरत मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुम ने लिखा है कि हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दो नबियों को छोड़कर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की निकाह करना सुन्नत रही है। हम उस सुन्नत को अदा करते हैं जिसमें सवाब भी है, जिसमें इबादत भी है। इंसान के आधे आधे दीन की तकमील और मुकम्मल होना होता है। हम आज उसी जो है सवाब की चीज को और सुन्नत की चीज को आज हमने उसमें अपने रसूमात और अपने खुराफात और बेहयाई की चीजें डालकर आज हमने जो है इसको इबादत से महरूम कर दिया। निकाह को जो है सुन्नत के प्लेटफॉर्म से हटा दिया और अपनी मनचाही चीजें उसमें डाल दी, इसकी वजह से आज उसमें बरकतें नहीं हो रही है। जरूरत इस बात की है कि निकाह को हम सुन्नत के नजरिए से देखें, इबादत के नजरिए से देखें और सवाब के नजरिए से देखें, और उसमें जितनी चीजें हमने घुसा के रखी है रस्म और रिवाज के नाम पर, खुराफात के नाम पर, हमारे समाज में जो चल रहे रस्म और रिवाज, इन तमाम को खत्म कर दिया जाए। और एकदम आसानी के साथ, सहूलत के साथ, बगैर किसी फजूल खर्ची के सस्ते तौर पर निकाह कर दिया जाए। आलिनु हाजन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि निकाह का ऐलान करो और मस्जिदों में निकाह करो। अब मस्जिदों में माशाल्लाह निकाह होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ माशरे में जो रसूमात होती है उन्हें भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि इन रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दें। अभी हम चंद दिन पहले एक साहब के यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो मसला हमारे यहाँ है वो शादी की अगली रात, जिसको हम गीतों बोलते हैं, वो गीतों में हमारे यहाँ जो जितने भी फजूल खर्चियाँ होती है और उसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वही असल है। निकाह के दिन तो किसी को कोई पड़ी नहीं होती है। हमें चाहिए कि जो है ये देखा देखी का काम बंद कर दे दुनिया के मामले में, फजूल खर्चियों के मामले में। वसारियाओ इलल खैरात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि भलाई के कामों में एक दूसरे से सबकत करने की कोशिश और फिक्र करो, तो हम अच्छाई को जो है जिंदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि जिसने किसी सुन्नत तरीके को और अच्छे तरीकों को ईजाद किया और जितने लोग उस पर चलेंगे तो उसका भी उसको सवाब मिलेगा, और कोई बुराई का तरीका वजूद में लाएगा और जो लोग उस पर चलेंगे तो उसका गुनाह और वबाल भी उस पर आएगा। हमारे यहाँ धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जा रही है, और इस महंगाई के दौर में हजरत मुफ्ती आरिफ अकोटा साहब जो कह रहे थे कि चंद सालों के बाद इस दुनिया के अंदर महंगाई अपने उरूज पर ऐसी जाएगी कि हम लोग एक वक्त में एक सालन भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए मुसलमानों से आजीजाना दरखास्त की जाए कि अपने पैसों की और माल की नेमत का सही इस्तेमाल करें, और जो है एक दो दिन के लिए और चंद घंटों की रसूमात के लिए और लोगों के दिखावे के लिए अपनी सल्लाह की दी हुई माल की नेमत को फजूल तौर पर खर्च न करें। हजरत मुफ्ती फारूक साहब मदनी दामत बरकातुम ने अपनी किताब फलाह दारिन में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात इरशाद फरमाई कि आदमी को शुक्रगुजारी की तौफीक उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि वो दुनिया के मामले में अपने से निचले दिल लोगों को न देखे। हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं कि मैं उसकी कॉपी करूं, मैं भी उसकी तरह खर्चा करूं, मैं भी उसकी तरह लोगों को दिखाऊं ताकि लोग मेरी वाहवाह करें। ये गलत तरीके हैं। और हमारे बुजुर्गान दीन ने दूसरा एक तरीका जो है शुक्रगुजारी का हमें ये बतलाया है कि इंसान अपने माजी को याद करे, अपने भूतकाल को याद करे, पिछले जमाने को याद करे, और ये देखे कि आज जो शाही महलों में हम रहते हैं, पक्के मकानात में रहते हैं जिनमें टाइल्स लगी है, एशिया लगी है, फैन और कूलर है, हर चीज की जो है हमारे पास सहूलतें हैं, और जो है पूरे पूरे साल के अनाज और गल्ले हमारे घरों में है, लेकिन आज से कुछ साल पहले
हमारे बाप दादाओं की जिंदगी देखे तो यहाँ से कई कई किलोमीटर दूर लोग खेतों में काम करने के लिए जाते थे, मकई की एक रोटी के ऊपर गुजारा करते थे। सुबह का खाने का होता तो शाम की जो है कोई सहूलत नहीं होती थी। कपड़े धोने के लिए मस्तूरात तालाबों पर जाती थी, पानी पीने का निकालने के लिए कुओं पर जाया करती थी और लेपन के मकान हुआ करते थे। आज उस कंडीशन को और उन हमारे बुजुर्गों की उन हालत को और उन गरीबी को याद करें और अपनी मालदारी पर और इन सहूलत की नेमतों पर जो अल्लाह ने हम पर बारिश के कतरों की तरह बरसाई है उसका सही इस्तेमाल करने की फिक्र करे। अगर आदमी अपने भूतकाल को याद करेगा, अपने माजी को याद करेगा तो इंसान कभी जो है लोगों के सामने तकब्बुर नहीं करेगा और लोगों के सामने अपनी नेमतों को जतलाएगा नहीं, बतलाएगा नहीं। आज ये क्या हो रहा है, शादी में यही तो हो रहा है कि इनके घराने में शादी थी, इन्होंने इतने महंगे महंगे जोड़े पहने, हम उससे भी महंगे महंगे लाएंगे। इन्होंने मंडप का इतना डेकोरेशन किया, हम उससे भी आला किस्म का करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो बड़े लोग किस्म के लोग हैं, बड़ी फैमिली के लोग हैं, रॉयल फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं, जिनको करोड़पति कहा जाता है, उन लोगों को चाहिए कि इस मौके पर अपनी इस दौलत को बचाकर फजूल खर्ची ना करके समाज का साथ दे, उलमा का साथ दे। उसका एक असर पड़ता है पूरे समाज के ऊपर। आज हम देखें, अभी हमारे यहाँ सोजिद्रा की जमात आई स्टूडेंट की, दो तीन दिन पहले इनके साथ बैठना हुआ तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जब खतना होती है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है। इसी तरह जालौत के अंदर भी जब हमने तहकीक की तो कहा कि जालौत में तो ये ऐसा ही है कि जब बच्चा पैदा होता है, विलादत होती है, तो वही हॉस्पिटल के अंदर ही खतना होकर ही वो बच्चा जो है डिस्चार्ज होकर घर आता है। और हमारा मामला देखें कि वो भी एक सुन्नत है, लेकिन उन सुन्नत की आड़ में हमने कितनी चीजें उस पर खड़ी करके रखी है। दो तीन दिन तक खाना खिलाना, उसमें जुआ खेलना, मंडप लगाना, और जिन जिन जिनके बच्चों की ये खतना होती है उनके माँ बाप का दुल्हा और दुल्हन की तरह स्टेज पर बैठना, ये वाहियत चीजें हैं। आप सोचो उस पर पैसा खर्च हो रहा है और आज वो माँ बाप जिनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो हज कमेटी से हज कर सकते हैं, वो इन फजूल खर्चियों में डूब कर वो इतने कर्जदार हो चुके हैं कि वो कभी ख्याल नहीं कर सकते कि मैं हज के लिए फॉर्म भरूं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चीजें हमारे यहाँ रस्म रिवाज की शक्ल में आ जाती है। इसलिए मंगनी की रस्म रिवाज को हम खत्म कर दें। खतना जो एक सुन्नत है उसके नाम पर जो हम जितने भी फजूल चीजें करते हैं वो खत्म कर दे। अपने यहाँ वो डॉक्टर आते हैं उनको बुला के जो है खतना कर दी जाए, और जो है या तो फिर हम वहां लेके जाकर खतना कर दे। फिर बात मसला आता है कि फिर हमने उनको लोगों को चोला दिया है, तो फिर वो छोड़ दे अल्लाह के वास्ते। 2-3 लाख रुपए छोड़ेंगे नबी की सुन्नत के ऊपर और गलत रसूमात को ब्लॉक करने के लिए, तो इंशाल्लाह उसका अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। ये जज्बे अपने अंदर कायम करने पड़ेंगे। और एक और नहुसत की वबा हमारे यहाँ है वो ये है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है और 7वां महीना शुरू होता है तो हमारे यहाँ खौरे की रस्म होती है। सुनो भाइयों, ये हिंदुओं की रस्म है, ये हिंदुओं की रस्म है। हिंदुओं के अंदर आज भी ये रस्म उस मौके पर निभाई जाती है। हम दावत तबलीग से निस्बत रखने वाले और जो है नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले लोग, आज हमारे घरों से ये वबा नहीं जा रही है। और यहां तक बात आ गई है कि अब तो जो है ये कपल जो न्यू जनरेशन है वो हमारा कपल जो है इस मौके के ऊपर बाकायदा बेबी बंप वाले ये हीरो हीरोइनों की तरह जो फोटो उस वक्त शूट करते हैं, ऐसे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां ऐसे फोटो शूट करती है और ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं। अल्लाह की पना, ये चीजें जाहिर करने की नहीं छुपाने की है। अब उस मौके पर भी खाना खिलाया जाता है और लोग खाते भी। इसको खत्म करने की जरूरत है, जबकि ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। अरे हिंदुओं हिंदुओं की रस्म है, हम इसको कब खत्म करेंगे? हर आदमी अपने घर का एक मुक्तदा है, जिम्मेदार है, वो चाहे तो खत्म हो सकता है। चंद दिन पहले एक साहब के घर गए और उनके यहाँ शादी के उन्वान से मुलाकात की, तो उसने पहले ही ये बात कही कि उलमा जो आए हैं मैं आपकी बातों को जो है कभी टालूंगा नहीं, और आप जैसे कहेंगे ऐसे मैं अपने बच्चे का निकाह करूंगा। देखो उलमा जाते तो अल्लाह की मदद आती,
लेकिन लोगों का भी सपोर्ट चाहिए और हमारे समाज से इन चीजों को खत्म करने की जरूरत है। वो सोजिद्रा की जमात में एक मौलाना है, मुझे कह रहे हैं आपके यहाँ अपना मुस्लिम स्कूल है। मैंने कहा हमारे यहाँ अपना मुस्लिम स्कूल नहीं है। तो कहा इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका मुआशरा जो है फजूल खर्चियों में और शादी खतना मंगनी छला खोरा इसके उनवान पर जो ये बेहूदा खर्चे और फजूल खर्चा कर रहा है, जब तक उससे बाहर नहीं आएगा तब तक ये अपने न्यू जनरेशन और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल और फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। वरना आज के हालात इतने खराब है, हमें सही मानों में अपारे मुआशरे को दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो है हम ये निकाह करें उस मौके पर कुछ चीजों का ख्याल रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी नसीहतें हम उम्मत को अता फरमाई। एक नसीहत ये फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत है उस शख्स के ऊपर कि जिसकी घर की मस्तूरात बेहयाई में मुबतला हो और बेपर्दगी में मुबतला हो और वो उनकी बेहयाई को बखुशी गवारा कर ले। जैसे ये रस्म रिवाज और खुशी और प्रसंग के मौके के ऊपर हमारी मस्तूरात जो है खुले बालों के साथ और हेयर स्टाइल के साथ दुपट्टे के बगैर चोली और घाघरे पहनकर जिस तरीके से निकलती है, आज एक मर्द बोलने के लिए तैयार नहीं, न बाप बोलने के लिए तैयार है, न भाई बोलने के लिए तैयार है, न शोहर उसके ऊपर शरीयत उसको समझाने के लिए तैयार है। और मेकअप ब्यूटी पार्लर के जो खर्चे हैं, एक दुल्हन के 40-50 हजार रुपए का बिल होता है। जरूरत इस बात की है कि इन चीजों को खत्म किया जाए। इसीलिए हजरत मुफ्ती फारूक साहब मदनी दामत बरकात उन्होंने अपनी किताब फलाह दारेन में लअनल्लाहुल मुतरज्जिलाति मिनन निसा इस हदीस को नकल फरमाया है, जिसमें फरमाया है कि अल्लाह ताला की लानत है ऐसी औरतों के ऊपर जो मर्दों की शक्लो सूरत और कपड़ों की मुशाबहत इख्तियार करे। आज देखो हमारी छोटी छोटी औलादे जो अभी बालिगा भी नहीं हुई है, ऐसी हमारी लड़कियां जीन्स टी शर्ट और जो है जे पैंट और इस किस्म के जो है ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है, बगैर बाल जो है बाले बाल खुले हुए हैं, बेपर्दगी के साथ जा रही है। पर माँ बाप ऐसे कपड़े ऐसी बड़ी बड़ी बच्चियों को पहना रहे। उलमा ने लिखा है कि जैसा कपड़ा पहना जाता है उस कपड़े का भी असर बदन पर होता है। तो इन कपड़ों में तो नफसानी ख्वाहिशात झलकती है, क्योंकि बॉडी टाइट हो जाती है तो लोगों की नजरें पड़ती है, वो बदनजरी का शिकार होती है और उसके अंदर जिना की ख्वाहिशात बढ़ जाती है। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम फरमाते हैं जिस मुआशरे और बस्ती और समाज में जो है शादियां महंगी हो जाएगी, उस मुआशरे के अंदर जिना सस्ता हो जाएगा, और जहां शादियां सस्ती होगी तो जिना महंगा हो जाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी शक्लो सूरत को इख्तियार करने वाली और मर्दों का लिबास इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम किसी बुजुर्ग की बद्दुआ से डरते हैं, किसी आलिम दीन की बद्दुआ से डरते हैं कि मेरी दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद हो जाएगी, और हम जो है अल्लाह की बद्दुआ से नहीं डर रहे कि बेपर्दगी की वजह से जो बद्दुआएं उतरती अल्लाह ताला की, फरिश्तों की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम उससे बिल्कुल बेखबर है कि इससे क्या होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम चीजों को करें। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात और हदीस में इरशाद फरमाई, तुन कहुल मरअतु लिअरबाइन, के औरत से चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है, लि मालिहा, उसके मालदार होने की वजह से। तो हमारा जब चॉइस और सिलेक्शन हो कि मुझे किसी औरत से निकाह करना है, या कोई औरत यह सोचे कि मुझे किसी मर्द से निकाह करना है, तो सिर्फ मालदार होने की बुनियाद पर उससे उसका रिश्ता न किया जाए। क्यों? उसकी वबा उलमा ने लिखी है और मुहद्दिसीन हजरात ने उसकी तशरीह फरमाई है कि जो मर्द या औरत सिर्फ मालदारी की बुनियाद पर किसी से निकाह करे तो उससे जो औलाद पैदा होगी वो यहूदियों की जो है उसके अंदर कल्चर और ऐसे अखलाक आएंगे, क्योंकि यहूदियों के अंदर जो है माल की हिर्स और लालच होती है। फिर आगे फरमाया लि हसबिहा, अगर कोई मर्द या औरत किसी अगर दोनों में से कोई एक निकाह सिर्फ इस वजह से करते हैं कि आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं,
जात पात वहां आ गए कि इससे न क्या निकाह करने का, ये तो बहुत लो कैटेगरी के खानदान के लोग है, हम उनसे निकाह नहीं करेंगे। तो आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर गैरों का और हिंदुयत का और मुशरिकियत ये है कि वो जो है अपने लेवल के खानदान और जात पात को सामने रखते हुए निकाह करते हैं। तो अगर इसकी नीयत से अगर निकाह किया गया तो हमारी जो औलादे और नस्लें पैदा होगी उनके अंदर मुशरिकाना अमल और उनके जैसे अखलाक पैदा होंगे। आगे फरमाली जमालिहा, अगर सिर्फ हुस्न और खूबसूरती की बुनियाद पर किसी मर्द ने किसी औरत से निकाह किया या किसी औरत ने किसी मर्द से निकाह किया तो उससे जो औलादे पैदा होगी उनमें ईसाइयत वाले अखलाक और उनके जैसा कल्चर आएगा, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर निकाह करते हैं। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ली दीनिहा, कि तुम दीन की बुनियाद पर जो है निकाह करो। जब दीन होगा और दीनदारी के साथ अगर मालदारी है तो नूर लना नूर, दीनदारी के साथ हुस्न भी है, दीनदारी के साथ आला खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं तो वो सारी चीजें जिम्न में आ जाएगी। लेकिन हमारा मुकद्दम ये हो कि हम जो है किसी से निकाह करें, किसी औरत का सिलेक्शन करें या किसी मर्द का सिलेक्शन करें तो वो जो है दीनदारी की बुनियाद पर करें, तो इससे इंशाल्लाह तमाम चीजें जिम्न में आ जाएगी, वरना ये तबाहियां आएगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि निकाह की इन खराबियों को हम हमारे मुआशरे और समाज से दूर करने की कोशिश और फिक्र करें। इसीलिए आता है कि भाई ये मेहर क्यों दिया जाता है, मेहर इसलिए दिया जाता है कि मेहर जो है वो निकाह को पायदार बनाता है, मजबूत बनाता है। बदायूं सनाए जो किताब के लिखने वाले हैं इन्होंने भी इसको नकल किया है और उसकी हिकमतों और मसलिहतों को जो नकल किया है कि जो है इस्लाम दुनिया इस्लाम मक्का के अंदर आने से पहले भी जो जहालत का दौर दौरा था उसमें भी जब शादियां और निकाह होते थे तो उस वक्त के शरीफ खानदान किस्म के जो लोग थे वो मेहर मुकर्रर किया करते थे। मेहर आला होने की वजह से फायदा ये होता है कि इंसान का निकाह पायदार हो जाता है, उसमें दवामियत और हमेश की आ जाती है और उसकी वजह से औरत को कोई निचले कक्षा का नहीं समझता और औरत की जात को जो है उसको अच्छी निगाह से देखा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है किताबों के अंदर जो बातें लिखी है वो उलमा ने ये लिखी है कि दौरे नबुवत और दौरे सहाबा में चार किस्म की मेहर चलती थी। उसमें सबसे पहली जो मेहर थी वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की मेहर थी। ये इंसान की माली हैसियत को सामने रखते हुए देना है। तो ये पहली जो मेहर है जिसका मौजूदा ग्रामों के हिसाब से जो वजन होता है वो जो होता है वो तकरीबन 30 ग्राम 618 मिलीग्राम होता है, जिसका आज का जो भाव है वो 2950 रुपये होता है। तो ये जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, यानी लहरी निकालने वाला, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लो किस्म के लोगों के लिए ये मेहर मुकर्रर है कि इन लोगों के लिए इतना दे देना काफी है। दूसरी मेहर है मेहरे फातिमी, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जो है मेहर है वो मौजूदा ग्रामों के हिसाब से 1531 ग्राम होती है, जिसके आज के जमाने के हिसाब से 1,46,700 रुपये होते हैं, 1,46,700 रुपये। जो करोड़पति लोग हैं इनको ये मेहर देना चाहिए। तीसरी मेहर है मेहरे उम्मे हबीबा, जिसकी मौजूदा ग्रामों के हिसाब से जो वजन होता है वो 12 लाख यानी 4 दिरहम के एतबार से 12 किलो 244 ग्राम 944 मिलीग्राम है, जिसकी मौजूदा कीमत 11,87,000 रुपये होती है। ये मेहर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे हबीबा को दी थी। एक और मेहर है मेहरे उम्मे कुलसुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह अनहुमा की बेटी हजरत उम्मे कुलसुम के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अनहु ने जब निकाह किया था 40,000 दिरहम में, तो उस वक्त इन्होंने 40,000 दिरहम दिए थे। ये शायद मेरे हिसाब से तकरीबन 80 लाख के करीब पहुंचता है, इतना मेहर दिया था। तो हम अपने हिसाब से मेहर दे, अभी हम लोगों की ज़हनियत बनाते हैं कि भाई कम से कम 10,000 रुपये मेहर दी जाए, या जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो 25,000-50,000 मेहर दे, और अल्लाह ने और दिया है तो मेहरे फातिमी दिया करे। ये 2-3 हज़ार रुपये मेहर देने का रिवाज खत्म करे, ये उनके लिए है जिनको अल्लाह ने वसत कम दी है। और आखिरी एक बात, अपनी बच्चियों को जब रुखसत करे उस मौके पर
तारीख खमीस में सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया और बिठाया और फिर हज़रत फ़ातिमा से कहा कि एक प्याले में पानी ले आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा पानी लेकर आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सूरे इखलास और सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर दम करके उसमें कुल्ली की और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें से पानी लेकर हजरत फातिमा के सीने पर और उनके सर के ऊपर छिड़का और फिर कहा कि तुम उलट जाओ, पुश्त मेरी तरफ करो, पीठ मेरी तरफ करो। फिर पीठ के ऊपर भी वो पानी छिड़का और ये दुआ दी, अल्लाहुम्म इन्नी उईदुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फिर ऐसा ही मामला हजरत अली से करवाया कि तुम भी एक प्याले में पानी लेकर आओ और उनके साथ भी ये मामला किया। तो रुखसती के वक्त सही सनद के साथ ये अल्लाह के नबी का अमल है। हम देखें क्या हमारी बच्चियों को रुखसत करते तो क्या अमल करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ वीडियोग्राफी और सेल्फियां होती है, उम्र रसीदा लोग भी दुल्हनों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। तो हमें तो ये सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों में सुन्नत के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक अपने यहाँ निकाह की इबादत को और सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।